नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 17 सितंबर को जो थर्ड शिफ्ट का पेपर है, अब हम उसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, उसका एनालिसिस देखने जा रहे हैं। पेपर जैसे कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के बारे में मैंने बताया कि इजी और मॉडरेट लेवल में था, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे, वैसे यहाँ पर भी थे। मैथ्स और रीजनिंग के भी जो क्वेश्चंस थे वो इजी से मॉडरेट लेवल तक जा रहे थे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। तो देखिए, बात करते हैं साइंस और जीके और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो साइंस में जो प्रश्न था वो केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल को रट के जाइए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ग्रुप, पीरियड, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। कार्बन का परमाणु भार पूछा था, तो कार्बन का परमाणु भार जो होता है वो होता है 12, और कार्बन का अगर पूछ दिया जाए एटॉमिक नंबर क्या होता है तो वो होता है 6। याद रखिए, ये कार्बन का एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक वेट। फिर अगला प्रश्न हमारा पूछा था कि फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो देखिए फ्रांसियम का जो है एटॉमिक नंबर वो होता है 87 जो होता है वो फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर होता है। पीरियोडिक टेबल बार बार मैं बोल रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल आप पढ़ के जाइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, धामन सोडा, इन सारे का एक एक बार आप रिवाइज करके जाइएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो होता है CaSO4.5H2O, कैल्शियम सल्फेट, और उसमें आधा H2O, 1/2 H2O, ठीक है। फिर पूछा था कि एटॉमिक नंबर, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर 30 है तो वो आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में होगा, आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में वो एलिमेंट होगा अगर उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 30 है, तो आंसर होगा P ब्लॉक। और 30 किसका एटॉमिक वेट होता है, जिंक का, याद रखिएगा, जिंक का एटॉमिक वेट होता है 30, और जिंक का, जिंक जो है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। फिर पूछा था बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, वो होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। अगला प्रश्न था हीलियम किस ग्रुप में है। देखिए पीरियोडिक टेबल से कितने प्रश्न आए, लगातार क्वेश्चन आप देखिए, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए। हीलियम किस ग्रुप में है, तो हीलियम जो है वो 18th ग्रुप में है। जब आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो यहाँ हाइड्रोजन लिखा रहता है और यहाँ कहीं जाके हीलियम लिखा रहता है, तो ये फर्स्ट ग्रुप से लेके 18th ग्रुप में जाके हीलियम लिखा रहता है। फिर बात, एक प्रश्न आया था कि इनमें से किसका नाम लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। तो देखिए एल्यूमिनियम था ऑप्शन में, कार्बन था, आयरन था, क्लोरीन था। एल्यूमिनियम को एल लिखते हैं, कार्बन को सी लिखते हैं, और आयरन को हम लिखते हैं Fe लिखते हैं। Fe का मतलब होता है फेरस, ठीक है, फेरस। तो फेरस जो है ये लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है, तो इसका आंसर होगा फेरस। अब आते हैं जीके और करंट अफेयर्स के पार्ट्स पे। तो जीके और करंट अफेयर्स देखिए, पहला प्रश्न था करंट अफेयर्स से कि महिला फीफा विश्व कप कहाँ हुआ, महिला फीफा विश्व कप अभी जो हुआ वो कहाँ हुआ, तो इसका आंसर होगा फ्रांस। फिर पूछा गया इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति ने पूछ के उपराष्ट्रपति, कितने ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति, तो इसका आंसर होगा आपका यूसुफ कल्ला। याद करके जाइए, कुछ ऐसे देश जिनमें अभी प्रधानमंत्री का हाल में दौरा हुआ हो उसके आप राष्ट्रपति का नाम एक बार जरूर याद कर लीजिए, और उससे अगर कुछ युद्धाभ्यास वगैरह होगा हो तो उससे रिलेटेड जानकारी आप लोग इकट्ठी कर लीजिए। फिर पूछा था वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, तो इसका आंसर है मेनका गांधी, ये याद करिए। मेघालय के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा है, मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा कॉर्नाड संगमा, कॉर्नाड संगमा। फिर पूछा है मैत्री युद्ध अभ्यास, हाल ही में मैत्री युद्ध अभ्यास हुआ था तो किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो भारत और थाईलैंड के बीच में एक युद्ध अभ्यास हुआ था, उसको बोलते हैं मैत्री, उसका नाम था मैत्री, तो इसका आंसर होगा भारत और थाईलैंड, ठीक। अगला प्रश्न शेन वॉर्न की आत्मकथा, शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी हैं, स्पिनर, दिग्गज स्पिनरों में गिने जाते हैं। तो पूछा गया कि शेन वॉर्न की आत्मकथा जो है ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा नो स्पिन, उन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है नो स्पिन। फिर पूछा गया सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में सैनिटरी पैड्स बांटे गए हैं, तो इसका आंसर राजस्थान। अखबार में इसको आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो इससे आप अवगत होंगे कि अभी अभी राजस्थान में सैनिटरी पैड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अगला प्रश्न है कि प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रेसिडेंट कौन है, तो इसका आंसर होगा रेशमा शर्मा। तो इस तरह से हमने आज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस तीन वीडियोस में देख लिए। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ में आई होगी, इस एनालिसिस को आप लोग ध्यान से देखे होंगे। इसके हिसाब से जो प्रश्न बन रहे हैं, मैंने बताया कि पीरियोडिक टेबल पढ़ के जाइए, एसआई यूनिट पढ़ के जाइए, मुख्यमंत्री और उसके साथ साथ गवर्नर पढ़ के जाइए, और प्रधानमंत्री के हाल में जिन देशों में दौरे हुए हैं उनसे क्या संबंध है, कुछ युद्धाभ्यास अगर हुआ हो या फिर कोई MOU का सिग्नेचर हुआ हो तो वो आप पढ़ के जाइए, और वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम और राजधानी याद करके जाइए। इस ये आपके लिए पर्याप्त होगा, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।